सती शब्द को अक्सर अकेले या फिर सावित्री शब्द के साथ जोड़कर किसी पवित्र महिला की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रथा को यह नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दक्षिणायनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 1510 में अरण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ उसे जीवित विधवा पत्नी को मृत पति के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था। कई बार तो विधवा की रजामंदी होती थी और कभी कभी ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था और इसका मतलब होता था पवित्र महिला। यदि महिला चिता में से भागने की कोशिश करती थी तो उसे डंडे से पीट पीट कर उसे चिता में बिठा दिया जाता था और जबरन उसे चिता में जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने इस मानवीय अप्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाए। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों के माध्यम से चलाया गया। इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से किया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया। 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाया जाना अपराध घोषित कर दिया। पहले यह नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 में इसे बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया। रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावना के विरुद्ध बताया गया। 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद सती प्रथा समाप्त हो गई। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को दंडनीय घोषित किया गया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। 17वें नियम के अनुसार 1829 में इसे सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया और 1830 में मद्रास और बम्बई में भी लागू कर दिया। इस तरीके से सती प्रथा से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया, तो 1829 में किया गया। किसके प्रयासों से किया गया, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया। किसने प्रतिबंधित किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंधित किया। कौन से नियम के अनुसार, तो 17वें नियम के अनुसार प्रतिबंधित किया गया। और सबसे पहले से कहाँ लागू किया गया, तो बंगाल में लागू किया गया और 1830 में इसे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से सती प्रथा से हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सती प्रथा की जिसको पूरी कहानी सुननी है तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ये मैंने जो ज़रूरत का हमारे सिलेबस का पार्ट था, मैंने वहाँ से पूरी ये डिटेल दे दी है और यहाँ से इस वाले पूरे चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनता है सती प्रथा से। ठीक है।